नमस्कार, मैं अनुराधा और ये नजर डालते हैं दिन भर की हुई गतिविधियों पर। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय मेदांता मेडिकल कंसल्ट सेंटर जम्मू। एक बार फिर अपनी मांगों के हक में बॉर्डर बटालियन के उम्मीदवारों ने आज एमए स्टेडियम के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने मांग की कि उनका लिखित एग्जाम जल्द से जल्द करवाया जाए, क्योंकि 2019 से ही उन्हें इसके लिए इंतजार करना पड़ रहा था। सर, हमको 2 साल पहले बॉर्डर बटालियन 2 इशू की गई थी राजनाथ सिंह जी द्वारा, जो हमारे उस टाइम होम मिनिस्टर थे 2018 में। आज सर 2022 चल रहा है, 4 साल होने को आगे, अभी तक हमारा एग्जाम नहीं लिया रहा। हम रोडों पर घूम रहे, रोज डंडे खा रहे, लाठी चार्ज हो रहा है। सर, ये कहाँ का इंसाफ है? आप पहले हमारा एग्जाम लो, अगर आपको नई भर्ती करनी है तो उसको अलग से कीजिए, ये टोटल इनजस्टिस है। नगरोटा के विभिन्न पार्टी नेताओं, पंचों, सरपंचों ने आज संयुक्त रूप के साथ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसके तहत उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को नकारते हुए नगरोटा को बलवाल तहसील के साथ जोड़े जाने पर भी रोष प्रकट किया और इसके लिए उन्होंने भाजपा सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया। वो एक ऐसा लगता है उस रिपोर्ट से कि एक बंद कमरे में बैठ के ही एक रिपोर्ट तैयार की गई है। जम्मू कश्मीर के किसी भी खिता को, किसी भी हल्के को, किसी भी कांस्टिट्यूसी को खुद जाके बताते, खुद जाके लोगों की मर्जी के मुताबिक, जो कि होना चाहता है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, जो पीछे इससे डिलिमिटेशन होती आई है उस तरीके से नहीं की गई है। सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन की तरफ से भी अपनी मांगों के हक में प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ में जो पावर प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है उसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए और जिन लोगों की जमीनें इन प्रोजेक्ट्स के तहत आई हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही यूनियन के सदस्यों ने अन्य मुद्दों को भी उजागर किया कि किश्तवाड़ में जो वहाँ की जो DDC चेयरमैन पूजा ठाकुर जी के नेतृत्व में वहाँ पर जो एजिटेशन चल रही है और पावर प्रोजेक्टों में जो काम चल रहा है वहाँ पर, चाहे वो कंपनसेशन का मसला हो, चाहे वो रोज़गार देने का मसला हो, ये इन चीज़ों को लेकर जो पिछले 22 दिनों से वहाँ से लगातार वो चल रहा है, उसकी सॉलिडरिटी, उसकी सपोर्ट के लिए CIT जो है वो आज अपना प्रोग्राम यहाँ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके तहत उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों का बखान किया और कहा कि मोदी सरकार आने वाले दिनों में पूरे भारत में युवाओं को रोजगार देने जा रही है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में देख लीजिए, इतनी महंगाई बढ़ी है कि वो भीख मांगने की कगार पे है। और देखिए आप, यहाँ मोदी जी दिन रात युवाओं के लिए एक ऐसा काम कर रहे हैं कि वो कल को युवाओं को रोजगार दे सके। योजनाएं, कितनी योजनाएं बना रहे हैं, दिन रात योजनाएं बन रही हैं, हर योजनाओं में लाखों रोजगार तैयार हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा हाल ही में गांव स्तर पर होने वाले निर्माण कार्य की अनुमति सरपंच, पटवारी तथा SDM से लेने संबंधी दिए गए आदेश की आज जम्मू कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार से मांग की है कि इस जनता विरोधी कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। मीरा साहब क्षेत्र में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान एसोसिएशन के प्रधान पृथ्वी सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन को अपना ये फैसला वापस लेना होगा। LG से अपील करता हूं कि जो नए नए ऑर्डर थोप रहे हैं, जैसे कि कोई भी आदमी रूरल में है, जब अपना अर्बन में कोई अपने मकान बनाता है, जैसे उसको SDM की परमिशन लेनी है, अपना पटवारी की लेनी है, सरपंच की लेनी है, BDO ब्लॉक से लेनी है, पहले ही गवर्नमेंट के लिए मुलाजम नहीं मिलते। और मैं पूरे लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये मेरी वार्ता ध्यान से सुने और उनको पता होना चाहिए कि जो हम वार्ता किस लिए कर रहे हैं, जो पूरे जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों के लिए हित के वार्ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवाओं ने आज शास्त्री नगर जम्मू में पार्टी अध्यक्ष एजाज जोहन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया, जिसके तहत उन्होंने मौजूदा जम्मू कश्मीर के हालात का मुद्दा उठाया और युवाओं की दशा की बात की। इसके साथ ही एजाज जोहन ने डिलिमिटेशन पर भी बातचीत की। बॉर्डर पे खड़े होके बॉर्डर पे गोलियां खाई, हमारे घरों में गोलियां लगी, हमारे लोग जख्मी हुए, लेकिन पाकिस्तान को कभी हमने अंदर नहीं आने दिया, पाकिस्तान को कभी यहाँ पे अपने इरादे कामयाब नहीं होने दिया, पाकिस्तान को हमने यहाँ से पीछे किया। आज उन लोगों को इस BJP की सरकार ने ये मजबूर सोचने के लिए मजबूर किया कि उनकी जितनी कुर्बानियाँ थी वो कुर्बानियाँ जो है वो ज़ाया गई और लोगों की नहीं पहचान रही है। मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, होश में आइए और जिस दिन यहाँ पे इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होगा, जम्मू कश्मीर के लोग उनको ये बताएंगे ये ड्राफ्ट ठीक हुआ ये ड्राफ्ट। डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने पार्षदों के साथ मिलकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसके तहत पूर्णिमा शर्मा ने गत दिवस
जेएमसी सत्र में बिल्डिंग लॉ के संबंध में बातचीत कर जानकारी मुहैया करवाई और कहा कि लोगों को अब कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी। स्पेशल हाउस जो है वो कॉल किया गया था हमारे बिल्डिंग बायलॉज को लेके। आपको बलिमंदी परिचित होंगे कि शायद 2 महीने पहले एक हमारा हाउस हुआ था जिसमें हमारी जो नए बिल्डिंग बायलॉज जो आए हुए थे उसमें हर एक कॉरपोरेटर अपने संबंधित एरिया के प्रति ऐसी प्रपोज करे, उन्होंने जो समस्याएं वो फेस कर रहे थे अपने अपने वार्ड्स में या ओवरऑल पूरे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में कि क्या क्या दिक्कतें उन ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स को आ रही थी। वार्ड नंबर 48 के पार्षद श्यामलाल बसर ने विकास कामों को आगे बढ़ाते हुए बाहूफोर्ट नई बस्ती में गलियों और नालियों का निर्माण कार्य शुरू करवाया ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना हो। इस कार्य पर लगभग 9 लाख रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर बोलते हुए श्यामलाल बसर ने कहा कि अन्य जगहों पर भी विकास कार्य करवाए जाएंगे। पूरी जितनी भी हमारी नाली भी बनेगी और ये हमारी गली भी बनेगी और नाली दोनों चीज़ें बनेंगी और इसी के साथ जितनी भी हमारे मोहल्ले हैं हर मोहल्ले में पूरी प्लानिंग के साथ काम होगा। गोरखनगर में होगा, बाकी मोहल्लों में ही होगा और जहाँ जो बाकी गलियाँ रह गई हैं उनका भी काम हमारा जल्दी शुरू करेंगे। आरएसपुरा के महात्मा गांधी पार्क में म्यूनसिपल कमेटी आरएसपुरा द्वारा लगाए गए ओपन जिम का उद्घाटन आज पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल तथा कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी द्वारा संयुक्त रूप के साथ किया गया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमेटी के अधिकारियों सहित पार्षद भी खासतौर पर मौजूद रहे। उस कांस्टिट्यूएंसी को द्वारा रिपीट किया गया है और हम ये कहना चाहते हैं अपने परिसीमन आयोग से कि पिछले 25 सालों से जिस कांस्टिट्यूएंसी को पहले रिजर्व थी और आपने द्वारा उसको रिजर्व कर दिया है, उससे कई जो क्षेत्र की जो प्रतिभा निकलनी चाहिए उन लोगों को हिस्सा जो मिलना चाहिए वो उन लोगों को हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो उसको मद्देनज़र देखते हुए आज हमने इस विषय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जिस प्रकार आरपुरा ने आगे चेतगढ़ को जोड़ के मर्ज करके एक आरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है जो उसको रिजर्व कर दिया गया है, तो हम ये परिसीमन आयोग है उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो आरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसको द्वारा एक जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया जाए। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।